नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशा चौहान। आज हम किसान जो है मंडी में आए हुए हैं। आज मंडी के अंदर जो किसान हैं उनका आखिर किस तरीके की तकलीफ है, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या आप क्या लिखा है यहाँ पर? सर जी, सिरसों लेके आया हूँ मैं। अच्छा, किस प्रकार की आपको जो समस्या के सामना करना पड़ रहा है मंडी आए जी? हमें रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक खड़े रहते हैं। हमें बहुत परेशानी होती है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि मंडियों के कई हिसाब से लिया जाए, सबको परेशानी ना हो किसानों को। और पहले बारिश की वजह से परेशान रहे लोग, बाग ओड़ा से परेशान रहे, अब सिरसों में लाइन लगने से परेशान रहे, रात रात भर खराब हो जाता है। और बरसात से गुजरे उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अभी जो आपने जो कितने कितने घंटे जो लाइन में लगना पड़ा जी? लगना जी 1-1 बजे तक रात के आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर 10 बजे नंबर आता है। यहाँ अंदर आने के बाद 2-3 ढाई घंटे हो गई, यहाँ भी लाइन में खड़े रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार 2-2 आदमी लगाएं और जो जल्दी जल्दी काम हो। अब किस चीज़ की लाइन में लग रहे हैं? अब सरसों की लाइन में लग रहे हैं जी, टोकन के लिए। और भी किसान क्या कहेंगे बाबा? हम बड़े परेशान हैं, यहाँ स्टाफ भी कम है। एक आदमी की आधा घंटा में पर्ची काटी जा रही है, आप देख लो आ जाके। कभी सिर्फ 2 कागज ले रहे, एक आधार कार्ड, एक बैंक की कॉपी, उनमें नाम लिखने में आधा घंटा लगे। अब आदमी खड़े 50, हमें शाम को 4-5 बजे चुलाई की पर्ची मिलेगी। तो अभी जो रास्ते में जो जो ट्रैक्टर में कितना लाइन में कितना समय लगा? लाइन में समय रात 2 बजे के खड़े, अब पहुँचे यार। तो रास्ते में पास मिला है, अगर किस प्रकार की सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, पानी पीवो और अपने पानी की सुविधा नहीं है। जमींदार अपने साथ लेके आता है तो पानी पीलेगा नहीं, किसी चीज सुविधा नहीं है। 7 किलोमीटर की लाइन लग रही है। अब 9 बजे सुबह रात से लेके अब 12-1 का टाइम हो गया, जमींदार भूखा तिखा है अपने। तो यही यहाँ पर भी रास्ते में सरकार तरफ कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है। जो नुकसान हो रहा है कुछ भी हो रहा है, जमींदारी पिट रहा है, इसके अलावा किसी का कोई नुकसान नहीं है, जमींदार का नुकसान हर चीज में। आपने कई साल हो गए, कितने साल हो गए जमींदार करते हुए? हमने 40 साल हो गए। 40 साल पहले कभी आपने ऐसा देखा? ऐसा नहीं देखा सर, कभी लाइन लगती हुई नहीं देखी। नहीं देखी तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम तो ये कहते हैं हमारी सर से जल्दी जल्दी देखें ऐसा क्या रहती है कि थ्रू ये ले ले तो यहाँ तो आम आदमी परेशान होगा और नहीं गवर्नमेंट का इतना समय वेस्ट होगा, जमींदार का फायदा है गवर्नमेंट का, पब्लिक परेशान नहीं होगी। रात को आने से बजाय अगर मंडियों में ले लिया जाए तो सब मंडियों में बारी बारी से बढ़ जाए, तो इसे है कि लोग परेशान ना हो और जल्दी काम हो जाए और सरकार को फायदा भी हो जाए। सरकार से भी क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये चाहेंगे अगले साल ऐसा ही ना किया जाए, मंडियों के थ्रू कर दिया जाए। जमींदार को जी परेशान ना हो, रात भर खड़े रहते हैं, बाहर पड़े रहते हैं, भूखे पिसाए पड़े रहते हैं और ट्रैक्टर नहीं मिलते, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। सर, सरकार ये कहती है कि जो बीजेपी सरकार है ये कहती है कि जो किसान की जो बात है सर भाई बीजेपी सरकार करती है, क्या कहोगे? देखो जी, सरकार कोई भी हो, जमींदार को किसी भी चीज में किसी का भी कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है जमींदार। क्या कहना चाहोगे? ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर ले आवा भाड़ा, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है ट्रैक्टर वाला कौन आएगा पूरी रात? जैसे रात को 2:30 बजे लाइन में लगे, 10 बजे भी लगे, वही सुबह 12-1 बजे नंबर कौन ट्रैक्टर वाला रुकेगा? ट्रैक्टर वाला तो फिर नहीं आएगा, ट्रैक्टर वाले बेचनी है, 5,000 किराया का देना पड़ रहा है, क्या करेंगे हम? ऐसी सरकार लागत निकल पाती जो आपका मुआवजा मिलता है? नहीं, कैसे निकल पाएगी? मुआवजा टाइम पे मिल रहा है? नहीं मिला। अब ये जो नुकसान हुआ है पहले पहले जैसे हमने देखा कि जैसे कि जो खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम अब आ रही है, खाद से बेहतर प्रॉब्लम आ रही है कि पब्लिक खड़े रहते हैं, लगे रहते हैं और फिर कोई फायदा नहीं होता, पब्लिक परेशान ज़्यादा होती है। पैसा टाइम पर मिल रहा है जी? पैसे भी टाइम पर नहीं मिल रहे, 1 महीना 2 महीने लग जाते हैं, और किसी कोई थोड़ी बहुत गलती हो तो उसको फायदा नहीं, उसके 6-6 महीने लग जाते हैं सरकार में। इससे बढ़िया ये है कि हमें डायरेक्ट ले मंडी वाले से तुरंत पैसा दे, 5-7 दिन में हो जाए। ये सभी किसान भाई को मैं चाहता है कि ना तो पैसा टाइम पर मिल रहा है, ना सरकार की तरफ से रस्ते में ना पानी की ना खाने की कोई सुविधा है, हरियाणा से देशवासियों से हैं।